झारखंड मुक्ति मोर्चा आज टावर चौक स्थित एक लॉज में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें झारखंड कैबिनेट मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने पत्रकारों से वार्तालाप किया, जहां उन्होंने दावा करते हुए बताया कि अब तक झारखंड में 11 सीटों के लिए मतदान हो चुका है और सभी सीटों में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीत रहे हैं। इसके साथ ही संथाल परगना के 3 सीटों पर 1 जून मतदान है और इन तीनों लोकसभा सीटों में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी विजय हासिल करेंगे। आगे उन्होंने पत्रकारों को बताया कि झारखंड में भाजपा के 11 सांसद हैं। इन लोगों ने कभी भी झारखंड की जनता के लिए विकास का कोई भी काम नहीं किया। सीता सोरेन, जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के परिवार का नहीं हुआ तो वह जनता का क्या होगा। लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व लोकसभा का चुनाव, इसका 6 चरण समाप्त हो चुका है और 7वां और अंतिम चरण का चुनाव 1 तारीख को होना है। उसमें झारखंड की भी हमारी 3 लोकसभा सीटों पर अंतिम चुनाव निश्चित है, दुमका, गोड्डा और रांची। और जो 3 चरणों के चुनाव हमारे राज्य के हुए, उन सभी 11 सीटों पर बहुत मजबूत स्थिति हमारी बनी है। हम लोग लगभग 11 की 11 सीटें, हम लोग अगर एक हाथ छोड़ दिया जाए तो 11 की 11 सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं और इन 3 लोकसभा सीटों पर काफ़ी मजबूत स्थिति, और हमें लगता है कि बहुत लंबे अंतर से हम दुमका, राजमहल और गुड्डा की सीट पर हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी विजयी होंगे। हमारा हमारे सांसद जो विपक्षी दल के थे पूरी तरह से गूंगे बहरे बने रहे 10 साल, और राज्य की जनता टकटकी लगाकर आशा भरी नजरों से देखती रही। कोई भी सरकारी लाभ जनता को नहीं मिला, कोई भी केंद्र की योजनाएं राज्य में नहीं आई, चाहे किसान की बात हो, किसान हित की बात हो, मजदूर हित की बात हो, हमारे बेरोजगारों की बात हो, जो पढ़े लिखे नौजवान हमारे बेरोजगार हैं, या छात्रों की बात हो, किसी वर्ग के लिए कोई काम केंद्र में बैठी तानाशाही सरकार ने करने की जरूरत नहीं समझी। 10 साल में हमारे देश को, हमारे राज्य को सिर्फ मिला तो आपसी विभेद, हिंदू मुस्लिम में बांटो, आदिवासी गैर आदिवासी में बांटने की बात, मंदिर मस्जिद में बांटने की बात, अभी नई बात मंगलसूत्र छीनने की बात, इन सारी बातों के अलावा कोई भी जनहित के काम इन 10 वर्षों में नहीं हुए।